संतान हंतार यत्पादाम बुजरे त्वियानान्तं निजाताजां प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखात्मोहं सर्वदा वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिम् षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये आचार्य वाचप्रमस्तागत्य कृपा प्रदास्ता आपको फोन ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ कर दो। हाँ धन्यवाद। तो पुनः आज के सत्र में एक बार फिर सबन को हार्दिक स्वागत है। और आज के सत्र में अपन श्री वृद्धराय जी की शेष टीका को अपन व्याख्यान ले रहे हैं। और शेष टीका के व्याख्यान में जैसे कि अपन ने पिछली बार देखियो तो के एवं स्वरूपम निरूप्य आश्रय रक्षण प्रकार माहु, स्वरूप को निरूपण करके आश्रय के रक्षण को प्रकार कह रहे हैं, दुख हानो इत्यादि शब्दंसु। तो दुख हानो इत्यादि शब्दंसु जो है वो वा ढंग तो आपको आश्रय को स्वरूप समझाया जा रहे है। तो एवं चित्ते सदा भाव्यम इत्यादि ना अग्रिमेण अन्वय, ये बात अपन ने पिछली बार देख ली थी, ये पूरा पैराग्राफ देख लियो तो। और जहां तक श्लोकान्वय की बात है तो ये दुख हानो तथा पापे भय कामाद्य पूर्ण, ये जो आश्रय के रक्षण के प्रकार हैं, दुख हानि पाप भय कामादि की अपूर्ति, ये जितने भी सारे प्रकार है ना वैष्णव, उनको एक एक करके यहाँ पे श्री वृजराय समझाना चाह रहे हैं कि भाई एक एक करके समझो क्या है ये प्रकार। तो हमें दुख हानो को अर्थ श्री वृजराय जी ने पिछली बार जो मैंने आपको समझाई थी वो कौन सो बात समझाई थी कि शरण दान अज्ञान जनित जीव बुद्धिया दुखम, मैंने वाको अर्थ देखो क्या है तो के जीव बुद्धि के कारण जीव को जो है प्रभु के शरण के वास्तविक स्वरूप को ज्ञान नहीं है। शरण ज्ञान शरण दान अज्ञान जनितम जीव बुद्धिया दुखम तदहानि। तो शरण के नीता बेन फिर आपको ऑफ म्यूट कर हो गया है। नहीं मेरे बराबर है जीजे, म्यूट करो। शरण दान को जो अज्ञान है वासु जनित जो दुख है वाकी पातियां कर रहे हैं, ये आई ना अपन को समझ में, कोई के नहीं आई हो तो बोलियो। तो ये बात अपन ने देखी, आज अपन आगे की टीका को अर्थ देखेंगे। आगे अब देखो जो पंक्ति आ रही है आगे
तत्रापि भक्तिम पोषयन सपरिकर आश्रयो गोपीशयी विवृतः। मने चाचा गोपीश जी के अनुसार आश्रय को जो भी स्वरूप है वो यूं कह रहे हैं कि भक्तिम पोषयन सपरिकर आश्रयो, मने भक्ति को पोषण करते भय, पोषयन आश्रय को, परिकर सहित आश्रय को स्वरूप बताया जा रहा है, मतलब दुख हानि पाप भय काम आदि की पूर्ति, ये जितनी भी बात यहाँ पे बताई जा रही है ना ये सब आश्रय को परिकर है। आयो ना ध्यान में आप लोगों को, ये बात नहीं आई हो तो पूछियो, ये सब आश्रय को पूरा परिकर कहो जाए। मने अगर इन सब परिस्थितियों में अपनो आश्रय डगमगावे है उन परिस्थिति में अपने को श्री कृष्ण को आश्रय रखना चाहिए, ये यहाँ पे गोपीश जी के अनुसार, चाचा गोपीश जी के अनुसार ये भाव बता रहे हैं। और रघुनाथ जी और गोकुलोत्सव जी क्या भाव बता रहे हैं तो वो भी यहाँ ब्रजराज जी आपको कवर अप कर रहे हैं कि भक्तिन जनयन और जनयिष्यन जनयिष्यंश्च इति उभय विध प्रकार भेदेन श्री रघुनाथ चरणैहि गोकुलोत्सवैश्च विवृतः। मने भक्ति जनयन, मने आश्रय जो है भक्ति को पैदा करे है, भक्तिम जनयन और जनयिष्यंश्च भक्ति को पैदा करेगो, ऐसो भविष्य काल को प्रयोग, मने यदि अपन ने या तरह को आश्रय रखियो तो भक्ति को पैदा करेगो, या तरह को आश्रय रखियो तो भक्ति को पैदा करे है, ऐसो वर्तमान कालिक प्रयोग कुछ भी समझ लो। तो इति उभय विध प्रकार भेदे न, दोनों प्रकार सु जो है रघुनाथ जी ने और गोकुलोत्सव जी ने विवृत कियो है। वाक्य बाद अत्र तु आधुनिका नाम, अब आधुनिकन के लिए मतलब अपन जैसे जीवन के लिए यहाँ आश्रय के प्रकार को कैसे समझनो, तो वो समझा रहे हैं कि श्रीमद आचार्य मार्ग प्रविष्टानाम अपि स्वभाव भेदेन, अभी जो आचार्य चरण के मार्ग में जो भी जीव प्रविष्ट भयो है, कोई भी जीव, जो भी जीव जाको ब्रह्म संबंध भयो है, वो जीव यदि यहाँ प्रविष्ट भयो है तो वह जीव के स्वभाव भेदेन स्वभाव भेद सु तत्तद रुचि दर्शना, बाकी जैसी रुचि, जैसी जीव, जीव की जैसी रुचि हो वह रुचि के अनुसार तत्तद अधिकारानुसार, बाकी वावा अधिकार के अनुसार जो है वो तत्फल सिद्ध्यर्थे, बाकी आश्रय के फल की सिद्धि के लिए सर्व प्रकार को दिंग मात्र प्रदर्शयति इसी न कोपी काफी विरोध। तो अपन जैसे जीवन के लिए ये सारो प्रकार महाप्रभु जी उल्लिखित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई दुख हानि में क्या करना, पाप में क्या करना, भय में क्या करना, काम आदि की पूर्ति में कैसा आश्रय रखना, भक्त द्रोह की स्थिति में, भक्ति के अभाव की स्थिति में, भक्त द्वारा किए गए अतिक्रमण के प्रकार में, अशक्य में, सुशक्य में, इन सब परिस्थितियों में ये खाली दिशा मात्र है, बाकी आश्रय को स्वरूप बहुत विशाल है वैष्णव, ये खाली दिशा मात्र यहाँ बताई जा रही है। तुमको अपने अपने स्वभाव भेद सु और तुमको जा प्रकार की रुचि है वह प्रकार तो अपने अपने अधिकार के अनुसार आश्रय को स्वरूप स्फुरित होएगो, ये यहाँ पे कुल मिला के ब्रजराय जी को कहने को आश्रय है। अब कह रहे हैं कि पाप की परिस्थिति में भगवद आश्रय कैसे रखना, पापे तथा पाप इति, तो यूं कह रहे हैं पाको अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं कि सेवा आदि प्रतिबंधक पापे देवा जाते, मने सेवा में कोई भगवत सेवा में तुमको कोई प्रतिबंध रूपी पाप यदि आ गए हो, या मने देवाज जाते मतलब देवाज जाते मतलब कोई संयोग सु तुमको कुछ हो गयो, या संयोग सु तुमको कुछ भगवत अपराध हो, वास्तिति में भी जो है यही के सर्वथा शरणम हरि, ये हर समय सर्वथा शरणम हरि जो है ना हर परिस्थिति में शेष में योजित कर लेने की बात है। दुख हान है,
सर्वथा शरणम होरी, पापे सर्वथा शरणम होरी, भये सर्वथा शरणम। मैं रिपीट नहीं करूंगा लेकिन वो बाय डिफॉल्ट समझना है, ये बिजराई जी ने पहले ही समझा दिया है, ख्याल में आया ना। भय, भय को क्या, भय मतलब भय बिन होत न प्रीत, कहे ना कहने स्वस्थ जीवस्य तुच्छत्वात्, स्वस्थ जीवस्य, अपन जीव है और अपन कैसे हैं, तुच्छ हैं। और कथम ब्रह्मादि दुराप चरण रेणो हो प्राप्ति, अरे भाई जो चरण रेणु ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है, ऐसी चरण रेणु मोकु कैसे मिलेगी, या भय ऐसो भय तुमको लगतो हो तो वह भय में भी सर्वथा शरण, या भयांतरे कोई और अन्य प्रकार को भय तुमको लगतो हो, कोई अन्य प्रकार को भय, या प्रकार को भय नहीं अन्य प्रकार को भय यदि तुमको लगतो हो तो वास्तविक में भी। वाक्य बाद कामादि अपूर्णे आयो, कामादि की अपूर्ति में, अब कामादि की अपूर्ति में कामाद्यो काम आद्यो ये शाम, अब देखिये ये पंक्ति बहुत ध्यान से पढ़ियो, ये पंक्ति बहुत जो है वो मैंने वैसी पंक्ति है, तदगुण संविज्ञान, ख्याल में आयो। अब यहां में थोड़ो मैं आप लोगों को थोड़ो लोई पीऊंगो, ग्रामर को विषय है तदगुण संविज्ञान जो है वो, तो थोड़ो सा मुझको आपको चार्ट में लिख के आपको समझाना पड़ेगा तो ये पंक्ति आपको आएगी, अन्यथा पंक्ति आपको समझ में नहीं आएगी, तो वाकई लिए मुझको सबसे पहले शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा, मैं शेयर स्क्रीन आपके सामने कर रहे हूँ। आपको बोर्ड दिख रहे हो आप लोगों को? जी 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 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। धन्यवाद, हाँ बोर्ड दिखने के लिए, जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ में देखो, अब ये जो तद्गुण संविज्ञान है, अब ये एक्चुअली वास्तव में बहुव्रीही समास है, कौन सा समास है? जी कछु दिखाई नहीं देवे, क्या नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई तो दे रहा, सब सब दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे। भामिनी बहन आप अपना कनेक्शन चेक करवा लो, आप अपना कनेक्शन चेक करवा लो, सबको दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिख रहा है, अभी अब दिख रहा है, पेन दिखाई दे रही है जी जी, सॉरी अब खाली सुन लो, नहीं दिखाई दे रही है, हाँ, तो हाँ, हाँ, जी जी अभी बहुव्रीही समास है, सो दिख रहा है। आपको लो कनेक्शन है, आपको कनेक्शन लो है, या के लिए आपको 5 मिनट बाद दिखाई देगो, ठीक है? अच्छा एक बात समझो जी जी, यहाँ में बहुव्रीही समास जैसो दिख रहे हो, हाँ वही हाँ। तो लिखो मैंने, और आगे लिखो भी नहीं है, हे भगवान दिल्लिल्ला मोहम्मद। अब आप एक बात देखो, बहुव्रीही समास, यहाँ में बहुव्रीही समास को उपयोग करो है, ऐसो ब्रजराय जी कहना चाह रहे हैं, ये व्याकरण को विषय। अब बहुव्रीही समास क्या बला है, अपने स्कूल के दिनन को याद कर लो, बहुत सिंपल। देखो जा समास में कोई पद प्रधान नहीं हो करके कोई अन्य पद की प्रधानता होए, या अपने स्वपदसु भिन्न कोई विशेष संज्ञा को विशेषण जो बने वो बहुव्रीही समास कहे जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको जैसे बताऊं, देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक शब्द मैंने लिखो चतुर्भुज, बराबर। अब चतुर्भुज शब्द है तो यहां में दो शब्द हैं, दो पद हैं, चतुः प्लस भुज। अब चतुर को जो अर्थ है वो हुए 4 और भुज मतलब भुजा,
तो अर्थ क्या भयो चतुर्भुज को? चार भुजा। लेकिन चतुर्भुज तो चार भुजा नहीं कहे जा रहे है, चतुर्भुज तो विष्णु कहे जा रहे है। तो चतुर्भुज कौन को विशेषण भयो? विष्णु को। ये दोनों पद चतुर्भुज, ये चतुर और भुज को समास भयो है तो चतुर्भुज शब्द बना है। तो चतुर्भुज पद जो है वो बहुव्रीही समास है। आया समझ में आप लोगों को? एक दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण में यदि आपको दूं तो वो है त्रिलोचन। आया समझ में? त्रिलोचन। अब यहां में भी त्रि शब्द है और लोचन शब्द है। तो शब्द ये दोनों पद को अर्थ, ये त्रिलोचन शब्द में त्रि पद है और लोचन पद है, दो पद आ रहे हैं। दो पद को जोड़ के समास बना के बाको एक पद बनायो है त्रिलोचन। त्रिलोचन का अर्थ हो वे तीन, लोचन मतलब नेत्र। तो तीन नेत्र हैं जाके, एक्चुअली त्रिलोचन तीन नेत्र हैं वाके। कौन को नाम है ये? शिव को नाम है। आया समझ में? वो शिव को नाम है। तो त्रिलोचन जो है वो शिव को नाम है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखो, दशानन। आयो दशानन। अब दशानन में दश प्लस आनन, दश शब्द और आनन शब्द। दश मतलब दस, आनन मतलब मुख। दस मुख हैं जाके, ये कौन का नाम है? रावण को। रावण को नाम है, दस मुख रावण को नाम है। ऐसे ही चौथा उदाहरण देखो, पीतांबर। पीतांबर है मतलब पीत और अंबर। तो पीत मतलब पीलो और अंबर मतलब वस्त्र। तो पीलो वस्त्र। अब पीतांबर का अर्थ पीलो वस्त्र है। अरे भाई पीतांबर जो है ना विष्णु का नाम है। ख्याल में आयो? क्यों वीडियो दीजिए आपको हैं? स्क्रीन ऊपर करनी पड़ेगी आपको। हाँ नहीं हो गया, ये बार बार शेयर स्क्रीन अच्छा वो हो गया होगा। आगे आप दिख रहे बराबर? हाँ जी देख रहा हूँ बरोबर है। हाँ ये बार बार है ना वो ब्लिंक हो रहा है, कुछ तकलीफ है। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके करूँ वापस कनेक्ट? एक बार डिस्कनेक्ट कर दूँ फिर वापस करूँ? सब लोग क्लियर है? क्लियर है जेजे? क्लियर है? हाँ ओके ओके ठीक है। तो मैं बार बार ब्लिंक हो रहा था ना यहाँ के लिए मैंने कही। तो अब एक बात समझो, अब जो मुख्य बात मुझको समझानी थी वो यही है, वापस शेष से निकल जा रहा हूँ, वो तकलीफ हो रही है। ये देखो निकल गया, निकल जा रहा, कोई बात नहीं मैं ऐसे समझा दूं आपको, शेष दिन को जाने दो। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो आप लोग, कि जो बहुव्रीही समास मैंने आपको जो बताया हो, वो बहुव्रीही समास जो है दो प्रकार को, ध्यान से समझो ये बात। एक हो वे तदगुण, तदगुण संविज्ञान। एक क्या हुआ है? तदगुण संविज्ञान। टीका में है देखो वो शब्द, टीका में है, आप टीका में देखोगे तो आपको मिल जाएगा तदगुण संविज्ञान। मिलो? हाँ जी मिलो। हाँ तो तदगुण संविज्ञान, एक हो गए तदगुण संविज्ञान और एक दूसरो बहुव्रीही समास को प्रकार हो गए अतद्गुण संविज्ञान। अ लगा दो पहले, अतद्गुण संविज्ञान।
अब ये तदगुण संविज्ञान और अतदगुण संविज्ञान क्या बला है? वर्ड्स खाली शब्द बोम्बास्टिक हैं, बाकी आपको अर्थ बहुत सिंपल है। मैं आपको कहूं तो आपको आएगा समझ में। जैसे मैंने आपको उदाहरण दियो पीताम्बर को, जैसे मैं आपको कहता हूं कि पीताम्बर पीताम्बरम आनय, एक मिनट में डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे, मैं एक बार फिर से कनेक्ट करता हूं। क्लियर। तो देखो मैं आपको समझा रहा था कि तदगुण संविज्ञान और अतदगुण संविज्ञान क्या हुए है, ये बात आप लोगों को समझा रहे हो। तो सबसे पहले ये बात लिखो कि जो तदगुण संविज्ञान है वाके लिए एक उदाहरण क्या अपन दे हुए हैं, जैसे अपन को एक कह के पीताम्बरम आनय, पीताम्बर लेके आओ। तो अब पीताम्बर को अर्थ पीलो कपड़ा तो है, राइट। अब पीताम्बर जा पुरुष के पास पीताम्बर है, वह पुरुष को भी अपन आवे के लिए कह रहे हैं और पीले कपड़ा भी अपने को चाहिए। ख्याल में आयो, दोनों चीज चाहिए, पीलो कपड़ा भी चाहिए और पीताम्बर भी चाहिए। तो ये दोनों चीज जब अपने को चाहिए तो वो तदगुण संविज्ञान है। अब याको अतदगुण संविज्ञान का उदाहरण क्या हो सके, बहुव्रीहि समास है ना, जैसे पीताम्बर माने पीलो कपड़ा लेके आओ, तो पीलो कपड़ा को अर्थ पीलो कपड़ा नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो पीले कपड़ा को अर्थ जो है पीताम्बर कौन को उदाहरण है, जाके पास पीताम्बर हो, वाकू अपन आवे के लिए कह रहे हैं। जैसे अपन कोई कौन है लाल टोपी यहाँ पे आ, तो लाल टोपी को थोड़ी आवे के लिए अपन कह रहे हैं, लाल टोपी जाने पैर रखी है वह व्यक्ति को आवे के लिए अपन कह रहे हैं, ये बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही ये जब अपन यो कह रहे हैं पीताम्बर आनय, तो पीलो कपड़ा भी अपने को चाहिए और पीलो कपड़ा जा पुरुष के पास है वो भी अपने को चाहिए, तो वो तदगुण संविज्ञान का उदाहरण है। अब अतदगुण संविज्ञान क्या बला है, अब देखो जैसे मैं आपसे यो कहूं के दृष्ट काशिकम आनय, जाने काशी देखी हो वाकु लाओ। अब काशी को तो लाया नहीं जा सके कि नहीं, जाने काशी देखी है वो आ सके, लेकिन काशी तो अपने आ नहीं सके अपने सामने, तो वाकु अतद्गुण संविज्ञान के में, मतलब पीताम्बर समास में जिन दो पदन को समन्वय अपन कर रहे हैं वह में सो एक आ सके एक नहीं तो अतद्गुण संविज्ञान है, दोनों आ सके तो तद्गुण संविज्ञान। अब आप लोगों को कितनों समझ में आयो भगवान जाने, नहीं आयो हो तो पूछो, आई समझ में? अशब्द में, अशब्द में मैंने अतद्गुण मैंने जाको अपन समास कर रहे हैं, वहां के गुणन को वहां में संविज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे अपन ने वो कह रहे कि काशी देखने वाले, जाने काशी देखी हो वाकू यहाँ पे लेके आओ, तो काशी को भी लाना पड़ेगा और व्यक्ति को भी लाना पड़ेगा, तो वो तद्गुण संविज्ञान हो जाएगा। हाँ। लेकिन काशी नहीं आ सकती हो, मान लो आई नहीं सके ना, काशी को कैसे कोई उठा के ला सके, काशी जाने देखियो है वाकू लाया जा सके। तो जाने काशी को देखियो है, काशी के दर्शन करे हैं वो यदि आपके आ रहे हो तो आपने तो बोलो कि काशी, जाने काशी देखियो है वाकू लाओ, तो वाकई सारे के सारे गुणों को संविज्ञान अपने को नहीं हो रहे है। जाके बोला हाँ। तो सारी चीज एक साथ एट अ टाइम खबर पड़ जाती हो, वो तदगुण संविज्ञान है, और नई खबर पड़ती हो तो अतदगुण संविज्ञान। अब यहाँ में देखो, यहाँ में एक शब्द महाप्रभु जी विजराय जी बता रहे हैं कि काम आद्यो ये शाम तदगुण संविज्ञान है, ये तदगुण संविज्ञान है। अब तदगुण संविज्ञान है मतलब क्या कह रहे हैं,
ब्रजराय जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं इतनी जटिल पंक्ति है वैष्णव वही है कि अलौकिक काम मुख्य अमुख्य गुण ज्ञानात्मक मोक्षाणाम पूरणे पूर्त्यर्थम कामादेहे अपूर्णे वा। क्या कह रहे हैं? यों कह रहे हैं कि काम आदि की अपूर्ति में तदगुण संविज्ञान बहुव्रीही समास को उपयोग समझ जाओ। अब यह काम आदि की अपूर्ति में सर्वथा मेरी हरि शरण है, ये जो बात महाप्रभु जी ने कही है वहां में व्याकरण कैसे काम लग रहा है, तदगुण संविज्ञान कैसे प्रयुक्त भयो। तो कह रहे हैं कि जब काम आदि की अपूर्ति तो काम के दोनों अर्थ ले लेने, काम को अर्थ मोक्ष भी ले लेना और काम को अर्थ जो है अलौकिक काम भी ले लेना, मोक्ष की भी अपूर्ति और अलौकिक काम की भी अपूर्ति, तो वो तदगुण संविज्ञान हो गया। जब अपन कह रहे हैं कि पीतांबर को लेके आओ तो पीलो व्यक्ति पीलो कपड़ा भी आवे अपने पास, तो पीलो कपड़ा जा पुरुष के पास है वो भी अपने पास आवे, तो वो तदगुण संविज्ञान का उदाहरण दियो ना मैंने। ठीक वही तरह से जब अपन काम आदि की अपूर्ति कह रहे हैं तो अलौकिक काम की भी अपूर्ति और मोक्ष की भी अपूर्ति, मोक्ष की भी अपने को यदि अपूर्ति होती हो, पूर्ति नहीं होती हो और अलौकिक काम भी अपने पूर्ण नहीं होते हो, वास्तविक में भी श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय बने, ये बात ब्रजराय जी कहना चाह रहे हैं। वाकई लिए इन्हें व्याकरण समझाओ कि तदगुण संविज्ञान है। आप लोग आए हो के? आप लोग अभी भी सिर खुजला रहे हो? बहुत सुंदर आयो जैसे समझ। अरे वाह, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। मैं समझो तो कि ये विषय बहुत कठिन जाएगा, इसके लिए मैंने थोड़ा बहुव्रीहि समास आपको समझाना चाहे कि भाई बहुव्रीहि समास की क्या उपयोगिता है, बहुव्रीहि समास उपयोग कब होया को उपयोग कियो जाए। वैसे बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे चक्रधर भी एक देखो बहुव्रीहि समास का उदाहरण, चक्रधर, चक्र और धर दो अलग अलग शब्द है। तो जैसे नीलकंठ ये भी बहुव्रीहि समास है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कौन कौन नाम है, चंद्र है शिखा में जाके शिवजी के नाम, शिवजी को नाम है। हाँ। जय एक प्रश्न है। हाँ बोलो ना। जो ये अलौकिक काम और लौकिक ऐसे ले सकते हैं ना जय, ये मोक्ष और अलौकिक क्यों कह रहे जय, लौकिक तो और अलौकिक जी से पूछना चाहिए ना, विजय जी ने अर्थ किया है तो, क्योंकि लौकिक और अलौकिक ऐसे आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो मोक्ष भी तो अलौकिक रूप हो सके ना जय। एक बात बोलो, लौकिक काम की तो गुगुन जी बात ही नहीं चल रही है ना। अच्छा। यानी लौकिक काम को एलिमिनेट करो, लौकिक काम अपनो पूरा भयो तो क्या, और लौकिक काम अपनो अपूर्ण रहो तो क्या। हाँ, हाँ, बराबर समझे। यदि मैं संविज्ञान लेना है हमें यदि, तो कौन सा दूसरा काम हमें लेना पड़ेगा, तो दूसरा काम हमें मोक्ष काम हो सकते। तो उभयविध काम की अपूर्ति में सर्वथा मेरी शरण हरि बनो, ऐसा कह रहे हैं, ये तद्गुण संज्ञान है जी। जय जय। अब ये सब बातें ना वैष्णव ऐसी हैं कि इन सब के अनुवाद में ये सब बातें प्रकट नहीं हो, ये सब बातें, ये सब तो अपन जब अपन ग्रंथा अध्ययन करें, डीप एनालिसिस करें, तब ये सब बात खुल के सामने आवे कि भाई तद्गुण संविज्ञान क्या है, या मैं कैसे या पंक्ति को स्वारे से समझना वगैरह वगैरह। तो वो कह रहा है कि अलौकिक काम और मुख्य अमुख, अलौकिक काम मुख्य और अमुख्य कौन सो है, जो गुण ज्ञानात्मक मोक्ष काम है, वो मोक्ष काम अमुख्य काम है, क्योंकि पुष्टि मार्गीय जीव को मोक्ष इच्छा नहीं हो गए है, ख्याल में आया ना, यानी वो अमुख्य काम है, सबऑर्डिनेट काम है, मुख्य काम अपना अलौकिक काम है। वो अलौकिक काम की पूर्ति जो है अपनी यदि, और जाको अलौकिक काम पूर्ण नहीं भय हो ना वैष्णव, वाकु ये चिंता सता सके, अपने को कोई अलौकिक काम ही नहीं है तो वो पूर्ण भय हो के नहीं भय हो
बाकी अपने को चिंता ही नहीं सता है कि नहीं भयो तो भले नहीं भयो, अपने को क्या जाए, मेरे बाप को क्या गयो, वो अपूर्ति रही तो। लेकिन जिनके अलौकिक काम हुए और वो अलौकिक काम यदि पूर्ण नहीं होते हों तो वाकु बड़ी भारी चिंता हो सके, तो वाकु आश्रय डगमगा सके। ख्याल में आयो ना, तो वामे भी सर्वथा शरणम हरि ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो कामादे अपूर्ण वाक्य बात देखो, बहुत सुंदर बात ये बता रहे हैं कि भक्त द्रोहे भक्ति भावे भक्तिश्चाति क्रमे कृते अशक्ये वा शुशक्ये वा सर्वथा शरणम हरि। अब हमें एक बड़ी मजेदार बात वृजराय जी बता रहे हैं, भक्त द्रोहे को अर्थ ले रहे हैं। अब कैसे इन्हें भक्त द्रोहे को अर्थ निकालो है वृजराय जी ने, ये आप देखो, बड़ी शिफत है इनकी समझाने की। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि स्वस्य कामादि पूर्तौ, ध्यान तो पढ़ियो ये पंक्ति, स्वस्य कामादि पूर्तौ, तुम्हारो कोई काम है तो, और वह काम की पूर्ति हो गई, ऐसी अवस्था में तस्या अन्यत्र अदर्शने, तुम्हारो काम पूर्ण हो गयो और वही काम कोई दूसरे को अपूर्ण रहे हो, तुमको जो काम है तो वो पूर्ण हो गयो, कामादि पूर्तो स्वस्य, लेकिन तस्या वही काम को, वही कामना को अन्यत्र दूसरी जगह अदर्शने, कोई दूसरे को वो काम पूरा नहीं भयो। ऐसी बात जब अपन देखे ना तो मदाद घमंड आ जाए अपने को, अरे भाई मेरा काम तो पूर्ण हो गया, तुम्हारा नहीं भयो। देखो अवज्ञायाम वाक्य बात जो है, अपन कोई भक्ति की मान लो वाह कारण तो अवज्ञा कर बैठे हैं कि तुम कैसे भक्त हो, मेरा तो ये काम पूरा हो गया, तुम्हारा नहीं भयो। यूं प्रकारांतरण वा द्रोहे, ख्याल में आओ ना, यादव और कोई प्रकार अंतर से तुम भक्त को द्रोह कर दो, वह परिस्थिति में भी यूं कह रहे हैं कि सर्वथा शरणम हरि। और बाकी बात कह रहे हैं कि भक्त द्रोह अपराधो मर्यादायाम अपि न दूरी कर तुम शक्यते। एक बात समझो कि भक्त द्रोह करने के कारण, भक्त को द्रोह करने से जो अपराध होवे ना, भक्त को द्रोह करने से जो अपराध होवे, वह अपराध की क्षमा तो मर्यादा मार्ग मर्यादायाम अपनी न दूरी कर तुम शक्यते। वाकु तो मर्यादा मार्ग में भी दूरी करना शक्य नहीं है, इतना बड़ो अपराध है भक्त को द्रोह करना, भक्त के प्रति द्रोह करनो उतनो बड़ो अपराध है, जबकि मर्यादा मार्ग में भी क्षम्य नहीं है। जैसे क्या कहीं उदाहरण बता सको के, हाँ बता सके ना, कौन सा उदाहरण, तो कह रहे यथा दुर्वासा अम्बरीशयो हो विषय किम पुनः पुष्टि मार्ग, कि जैसे जो है राजा अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि ने जो है वो अपराध किया, तो ख्याल में आयो ना, नौवां स्कंद की कथा आप लोग पढ़ लोगे ये सब बात आपको पता चल जाएगी कि नौवां स्कंद में राजा दुर्वासा और अम्बरीश की कथा, एक बार मैंने सुनाई भी थी आपको ये कहानी शायद, तो वहां में आप देखो राजा अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि ने अपमान कर दिया, तो सुदर्शन ने छोड़ो क्या, अम्बरीश को छोड़ो नहीं। तो जब मर्यादा मार्ग में भक्त द्रोह रूपी जो अपराध है बाकी क्षमा नहीं हो सके है, तो पुष्टि मार्ग में तो क्या कहना, यो कह रहे हैं किम पुनः पुष्टि मार्ग, मैंने पुष्टि मार्ग में तो हो ही नहीं सके यो। अतः जी जी हाँ जी, द्रोह को इजी सिंपल टर्म्स में समझना हो तो मतलब ध्यान अपन को रखना है कि भक्त द्रोह ये हो रहे अपने से, तो ये अपन सिंपल टर्म्स में कैसे ध्यान रखे द्रोह शब्द को इजी समझना, तो एक बात समझ लिया, द्रोह को अर्थ तू क्या समझे पहले ये बता, अगेंस्ट जानो, अगेंस्ट जानो हाँ, तो या डिसरिस्पेक्ट, वो जो आपसी ने अमरीश को राजा अमरीश को एग्जांपल दियो तो राइट ना हाँ, तो ऐसे ही वाकु डिसरिस्पेक्ट यदि तुम भक्त को कर दो
ओके कोई भी भक्त को डिसरिस्पेक्ट कर दो तो वो भक्त द्रोह है ना. ओके ओके ठीक है जी. वास्तिति में भी जो है यूं कह दो तो वाकई लिए सर्वथा शरणम हरि कहने जा रहा. ओके तो स्वस्य स्वीयानां च उत्कट अनुत्कट भक्ति अनुत्पत्तौ दुसंगादिना तन्नाशे च. क्या कह रहे हैं कि अब दूसरी बात भक्ति अभावे की बात कर रहे हो. अब या अब तक भक्त द्रोह की बात बताई, अब भक्ति अभाव की बात बता रहे हैं. वाकु क्या से कैसे समझा रहे हैं ब्रजराय जी कि स्वस्य खुद की स्वीया नाम जो तुम्हारे स्वीय है उनकी उत्कट या अनुत्कट भक्ति उत्पत्त हो. ख्याल में आयो मैंने तुम्हारे में उत्कट भक्ति होए या ना होए या तुम्हारे स्वीय जनन में उत्तम प्रकार की भक्ति होए या ना होए या दुस्संग आदिना तन्नाशेच दुस्संग आदि के द्वारा वह भक्ति को नाश हो जाए तब भी वास्तिति में भी सर्वथा शरणम हरि. बैठी पंक्ति जी एक प्रश्न तो श्योर जी दुस्संग सु अगर भक्ति नाश हो जाए प्रैक्टिकली तो फिर शरण कैसे हरि की रह सके. मतलब जब वो व्यक्ति को दुस्संग लगो है तो वो तो भूल ही जाएगा ना, विस्मरण हो जाएगा, तो फिर ठाकुर जी को स्मरण कैसे रहेगा. पॉसिबल है ना. जब अपने को दुस्संग सु भक्ति को नाश भयो है, भाव को थोड़ी नाश भयो है, वासु रीजनरेट भी हो सके ना. रीजनरेट तो हो सके जी. हाँ हो सके ना, क्यों नहीं हो सके. लेकिन वास्तव में धीरे छूट गई तो वहां पॉसिबिलिटी में जा बकर रीजनरेट हो रहे है, डीजनरेट भयो और वाके बाद रीजनरेट भयो. तो डीजनरेशन और रीजनरेशन के बीच को जो पीरियड है वहां बीच में धीरज खुट जाए तो कोई की कि नहीं नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सके. हो सके कि नहीं है तो हो सके. तो वास्तविक में भी अपना आश्रय नहीं डगमगाना चाहिए. जैसे अपने साथ कोई अनहोनी हो जाए तो अपनो भक्ति को जो उत्कट भाव है वो अनुत्कट हो जाएगा कि नहीं. भक्ति को उत्कट भाव अनुत्कट हो जाएगा कि अपने साथ ये अनहोनी नहीं घटनी नहीं चाहती थी. बराबर. और भक्ति की यदि अनहोनी वह अनहोनी के कारण यदि तुम्हारा आश्रय यदि स्थिर नहीं रह पा रहे है तो फिर वो रीजनरेट को चांस कैसे रहेगा. तो फॉर दैट मोमेंट जैसे हो सके जब डीजनरेट हो जावे बट मतलब कंटिन्यूटी में वो नहीं होना चाहिए. मतलब वो पर्टिकुलर जो टाइम है वाके लिए थोड़ा अपन को हो जावे बट जब अपन सोचे और फिर अपन अगर आश्रय वापस रट करे कि नहीं नहीं ठाकुर जी ने जो करिए बराबर करिए तो अपन वापस जनरेट कर सके. सही बात है. कोई ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे साथ दुख हो गया फिर भी अपन तटस्थ सुयो ही खड़े हंसते में. ऐसे थोड़ी है यार. दिल ही तो है ना संगोखिष्ट दर्द से भरना आए क्यों. रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों. भाई दिल ही है ना, कोई संग या पत्थर या ईंट थोड़ी है. और दिल को कोई दर्द होएगा तो रोएगा भी आके, शिकायत भी करेगा, बोलेगा भी. वो तो स्वाभाविक बात है. देख यही लिए नवरत्न में भी जो स्वाभाविक की चिंता है वाकु चिंता करने से महाप्रभु जी रोक नहीं रहे हैं कि वो तो जैसे अपने अपने को घाव हो गयो खून निकल गयो तो अपने को चिंता नहीं होगी का. चिंता तो होगी कि नहीं अपने को. अरे ये क्या होगा वो टाइम बींग है. ऐसे आश्रय में भी समझना कि कोई हिसाब से यदि अपनी अनहोनी हो गई वाप वक्त अपना आश्रय यदि डीजनरेट हो रहे है और वो बा जाने बाप अने पेट जाने पाप वो अपने को पता चले कि नहीं. कोई अपने को बताए या नहीं बताए लेकिन अपने को पता चले कि नहीं ऐसा हो रहा है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है. कोई दूसरों क्या बताएगा तुमको, तुम खुद ही तुम्हारे परिज्ञापक हो. क्या लाया ना ये तो. हाँ जी. तो वास्तविक में भी
दुस्सिंग आदि ना तन नाशे च, नाश हो जाए तब भी तुमको सर्वथा आश्रित। जैसे एक बात अभी एक तो को बात बताऊं मैं, बहुत अच्छी बात तेने पूछी। एक अभी ये नाम रत्ना के स्तोत्र की क्लास में परसों ही की बात है, शुक्रवार को होती क्लास, वहां में महाप्रभु जी को गुसाई जी को नाम हो तो के भक्त भक्ति मार्ग प्रवर्तक, भक्त रख नहीं, हाँ भक्ति प्रवर्तक महाप्रभु गुसाई जी को नाम है। अब वहां में युगल गीत को प्रसंग मैंने बताया तो बाकी सब सैद्धांतिक संगति वार्ता सुकरी कि कैसे गुसाई जी जो है भक्ति के प्रवर्तक हैं। तो वहां में एक बात समझ दे, गुसाई जी को एक सेवक है तो अन्य मार्गी जो वैष्णव के संग सु गुसाई जी की शरण में आयो तो, कि आज के कलयुग में यदि शरण की सामर्थ्य कोई के पास है उद्धार की तो वो श्री गुसाई जी के पास है। तो वाने के कि नहीं मेरा उद्धार करें तो मैं जानू, तो वैष्णव ने कि हाँ हाँ चलो ना गुसाई जी के पास। तो गुसाई जी ने वहां को नाम मंत्र की दीक्षा दी, और जब नाम मंत्र की दीक्षा दी तो वाने के कि अब मैं टेस्ट करूंगा कि गुसाई जी मेरा उद्धार कर सके कि नहीं करके, माने मर्दा की जो है आंच के ऊपर दाल बाटी सेक के खातो, इतने टाइम बीइंग में वाको भाव डीजेनरेट भयो के नहीं ना दे। लेकिन जब कोई राजा को कोड़ भयो और वा कोड़ की निवृत्ति को उपाय गुसाई जी ने ऐसे बताया कि मेरा वो अन्य मार्गीय वैष्णव है, बाकी जूठन खा लोगे तो तुम्हारा कोड़ मिट जाएगा। और फिर वाकु के गुसाई जी को अभी भी मेरी याद है का रीजनरेट हो गया वो देख वो रीजनरेट हो गया। गुलाब दास से गुलाब खां बन गए थे वैष्णव दास, गुलाब दास की बात है नहीं, वो दूसरी वार्ता है भामिनी बहन। ये जो मैं बात बता रहा हूँ एक अन्य मार्गी जने स्मशान में जूठन जाके जूठन राजा ने खाई, वो वाली वार्ता है। वाको नाम गुसाई जी ने फिर वैष्णव दास धरे वाको नाम। तो ये अपन देख सके हैं कि कैसे जो है भाव ट्रांसफॉर्म हो गया आंखों, लेकिन कहीं ना कहीं तो वह वैष्णव को जो बीज भाव है वो इंटैक्ट होएगा कि नहीं होएगा, वो दृढ़ होना चाहिए, वो दृढ़ होना चाहिए। थैंक यू वाको अति गुसाई जी मेरा उद्धार करेंगे शायद, यही तभी तो वो खार हो तो ना। नहीं परफेक्ट एग्जाम्पल है, देजिए सर्वथा शरणम हरि तो ये बात अपन ने देखी समझ में आया। तो वाक्य बात देख, भक्तिश्चाति क्रमे कृते तत्सहनार्थम अयम उपदेश। अरे भक्त तुम्हारो अतिक्रमण कर दे, माने भक्त तुम्हारो अतिक्रमण कर दे, अपकार कर दे, तुम्हारा अपमान कर दे वास्तिति में भी, सर्वथा शरणम हरि। अरे भाई कैसे समझना, कैसे समझना सर्वथा शरणम हरि। तो देखो ब्रजराय जी बड़ो कारगर उपाय बता रहे हैं कि ते मतलब भक्त बिना निमित्तम, बिना निमित्त के सर्वथा कमपि न अतिक्रमन्ति। कोई बिना निमित्त के कोई को पागल कुत्ता ने नहीं काटा है भक्त को कि तुम्हारा अतिक्रमण करेगा। बिना निमित्त कभी कोई भक्त कोई को हैरान नहीं करे, बात ये बात समझो। अगर भक्त ने तुम्हारा अतिक्रमण कियो है तो समझ जाओ कि तुमने कुछ जरूर वाको नुकसान कियो है, नहीं तो वो ऐसे ऐसे तुम्हारा हैरान तुमको हैरान नहीं कर सके, वो ख्याल आयो ना। अथ अतिक्रमंती तदा स्वस्मिन कोपि दोष, अथ अतिक्रमंती तदा स्वस्मिन कोपि दोषो अस्ति। क्या समझनो, भक्त तुम्हारा अतिक्रमण कर रहे हो ना, तब क्या समझनो कि अपन नहीं कोई दोष होएगो, अपनो दोष विचार सखीरी इनसो कछु न कहिए कृपा तो लालन झुकी चाहिए। देखो अपने ये बात कैसे आसानी से पदन में कह दी गई है, जो महाप्रभु जी ने बात विवेक देह राष्ट्र में गूंज के रखी है वो बात को अपने अष्ट सखा ने कितनी सरलता से कह दी है कि कृपा तो लालन झुकी चाहिए इन्हें करी करे स्वाची अपने शिरसो सही है। ये बात देखो, ये अपने यहाँ की जो ब्यूटी है ना वो ये है, ततः तन्निवृत्त्यर्थम अयमिति चाचा गोपीश। ये बात जो है ना चाचा गोपीश कह रहे हैं, ऐसो ब्रजराज जी कह रहे हैं,
ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वाक्य बाद अशक्य वा सुशक्य वा शब्दोपि अर्थ है, मैंने स्वकृति साध्य स्वकृति असाध्य स्वकृति साध्य च सर्वथा व्याख्यात प्रकारेण काय वांग मनो भी ही वा सर्वदुख हरतैव शरणम, मैने तुमसु जो काम हो सकतो हो है, या तुमसु जो काम नहीं हो सकतो हो है, वा परिस्थिति में भी सर्वथा मतलब व्याख्यात प्रकारेण काय वाणी और मनसु सर्व दुख हरतैव शरणम, वा सर्व दुख हरता की शरण में तुमको जानो चाहिए। सुशक्य मतलब जब सुशक्य की बात समझाते समय ब्रजराय जी कह रहे हैं कि शरण उपदेश अहंकार अभावार्थ इति चाचा यो कह रहे हैं कि सुशक्य परिस्थिति का अर्थ यह है कि अपने मने अपने को अहंकार नहीं हो जाए कि भाई ये तो मेरे काम से हो गया, मेरे से ग्रेट कौन हो सके। यूं जब अपनो काम नहीं भयो है वा परिस्थिति में भी, और जब काम अपनो हो गयो है वा परिस्थिति में भी सर्वथा शरणम हरि, ये बात ब्रजराय जी कह रहे हैं। और वाक्य बाद धैर्य अभावेपि तथात्व अर्थमाहु अहंकार इत्यादि, माने जीव में धैर्य नहीं भी होए ना, धैर्य को अभाव होए तो भी धैर्य वाको सिद्ध हो जाए वाके लिए है, मन वाको आश्रय सिद्ध हो जाए वाके लिए, ये बात कह रहे हैं। अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे, अहंकार कृते, अहंकार कृते मतलब अभिमाने न कृते, तुमने यदि एक बात समझो कोई मन अभिमान अभिमान के कारण तुम्हारे में कोई दोष उत्पन्न हो गयो तो आप परिस्थिति में भी अभिमान न करते तद दोष निवृत्त्यर्थम अभिमान निवृत्त्यर्थं च अयम उपदेश, अभिमान की निवृत्ति के लिए ये उपदेश दियो जा रहे है। चल आयो ना, चकार सु क्या लेनो अहंकार कृते चैव, चसु क्या लेनो सर्वत्र अनुक्त सजातीय समुच्चयार्थ, मने उक्त अनुक्त जो बात हमने कही है वा परिस्थिति में भी, और जो बात हमने छोड़ दी है वा परिस्थिति में भी सर्वत्र अनुक्त सजातीय समुच्चयार्थ, मने यासु रिलेटेड जो भी बात है अहंकार से रिलेटेड वो सारी बात को समुच्चय यहाँ पर समझ लेना चाहिए। ये अहंकार के बहुत सारे शेड हो सकते हैं, ये श्यामुका की लिखी भाई एक पुस्तक है अहंकार व्यवस्था, जो अपने पुष्टिमार्ग पे नेट पे अवेलेबल है, वहाँ में अहंकार के बहुत सारे शेड बताए गए हैं, वो मैं से देख लोगे तो ये बात फुट हो जाएगी, वो पुस्तक पढ़ लीजिए। ख्याल में आया ना, मने अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षण है, एवकार मतलब उपायांतर अनुष्ठान व्युदासार्थ, ये कह रहे हैं मने एक बात समझो उपायांतर अनुष्ठान व्युदासार्थ, मने या के या उपाय के अलावा मतलब आश्रय रूपी उपाय के अलावा और कोई उपाय नहीं है, या बात को समझावे के लिए कहो के सर्वथा शरण, उपायांतर अनुष्ठान व्युदास, व्युदास मतलब माइनस, वहां को छोड़ के कोई उपाय नहीं है, यदि तुमको आश्रय सिद्ध करना है मतलब तो आपके लिए आश्रय ही एक उपाय है और कोई साधन नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि पोष्य पोषण रक्षणे संभावने न तद रक्षण से लौकिकत्वात् स्वस्य सेवादि विघाताद रक्षणे भगवत पोष्यानाम क्लेशाद उभय सामंजस्यार्थम इदम्। अब कह रहे हैं पोष्य पोषण रक्षणे, देखो ये पंक्ति ध्यान से समझ ले, पंक्ति है कि तुम जिनको पोषण कर रहे हो, जो तुम्हारे द्वारा पोषित हैं, तुम जिनको पोषण कर रहे हो उनको रक्षण, उनको रक्षण तो लौकिक है ना,
उनको पोषण करने में, माने तुमको अहंकार आ गया, अथवा सेवादि विघाताद रक्षणे भगवत पोष्यानाम क्लेशाद। एक बात बहुत बढ़िया बता रहे हैं यहाँ पे, देखो एक बात यहाँ पे कि उनको रक्षण करने में तो तुमको लौकिक बुद्धि है, उनको रक्षण कर रहे हो तो वो लौकिक बात हो गई, लेकिन सेवादि विघाताद रक्षणे भगवत पोष्यानाम क्लेशाद उभय सामंजस्यार्थम। एक बात समझो, या अहंकार सु जो है अपनी भगवत सेवा में विघ्न आवे है, ऐसा कह रहे हैं मृदराई जी। क्लेशाद सेवा विघाताद, या मैं सु ये जो अहंकार है सेवा में विघात पैदा करने वालों है, ऑब्स्टेकल पैदा करने वालों है, और रक्षणे भगवत पोष्यानाम क्लेशाद उभय सामंजस्यार्थम। एक बात समझो, यदि अपन उनको पालन पोषण नहीं कर रहे हैं ना, यदि कोई परिस्थिति सु तो फिर क्लेश हो रहे हो, भगवत भक्तन को अपन पीड़ा दे रहे हैं। भाई पोषण करना भी जरूरी है उनको, और उनको रक्षण करना भी जरूरी है, दोनों बात उभय सामंजस्यार्थम। उनको पोषण करवे में और उनको रक्षण करवे में दोनों ही परिस्थितियों में तुमको कोई भी प्रकार को अहंकार पनपनो नहीं चाहिए। या बात को समझावे के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, अहंकार करते चाहिए वह पोष्य पोषण रक्षण, पोषण क्रिया सहित रक्षण क्रियायाम पोष्यातिक्रम। पोषण क्रिया के साथ यदि तुम रक्षण क्रिया भी कर रहे हो, वाकु महाप्रभु जी पोष्य पोषण रक्षण है, पोष्यातिक्रमण कह रहे हैं, पोष्य को अतिक्रमण। पोष्य ही सह निवेदिते कृते स्वयं वा तेषां कृते अतिक्रमणे आसुरं भाव विना तद अभावात् तन्निष्ठ तन्वृत्त्यर्थं स्वप्रयत्न त्यागार्थं चैदम्। देखो एक बड़ी बढ़िया बात यहाँ पे विजय जी बताना चाह रहे हैं कि क्यों तुमको उनको पोष्य, तुम्हारे द्वारा जो पोषित हैं उनको क्यों तुमको रक्षण करना चाहिए, और वह हमें क्या बात समझाना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो परिवारजन हैं अपने, जो भी परिवार हैं वो वाले लोग अपन के संगी तो निवेदित भय है ना, जब अपन ने ब्रह्मश्रम लिए तो साथ में उनको भी तो अपन ने निवेदन कर ही दियो, तो और जब अपन ने साथ में निवेदन कर दियो तो वो अपनो तिरस्कार करें, अपनो अपमान अतिक्रमण करें, या अपन उनको, ध्यान से समझ रहे हो, वो अपनो अतिक्रमण करें या अपन उनको अतिक्रमण कर दें, तो अतिक्रमण कब होवे, तो कह रहे हैं आसुरम भाव बिना तद अभाव, जब अपने में आसुर भाव कोई आ जाए तभी अपन अतिक्रमण कर रहे हैं, अन्यथा अतिक्रमण क्यों करेंगे। तो वह परिस्थिति में भी विजय जी आज्ञा करते हैं स्वप्रयत्न त्यागार्थम च इदम्। तो खुद को प्रयत्न त्याग दो, खुद की डापण मत करो, तुम सर्वथा श्री हरि की शरण हो। तथैव अंतेवास्यतिक्रमे, अंतेवासी मतलब अंतेवासी शिष्य को कह, मैंने पिछली बार भी आपको बताया तो कि गुरुकुल में जो रहवे वो अंतेवासी कह रहे हैं, वहां जो वास करे गुरु के घर में वाकु अपन अंतेवासी कह रहे हैं, वाकु शिष्य कह जा रहे है। तो तस्मिन स्वकृत उपकार आदि अनुसंधान है ना, वो शिष्य के विषय में यदि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने वाकु पढ़ा के वाको उपकार किया वाके ऊपर, शिष्य के ऊपर पढ़ा के वाको उपकार कियो है, और ऐसो अनुसंधान यदि तुमको रहते हो तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारो अनिष्ट करने वालो, क्योंकि तो गर्वादि अनिष्ट संभव है। गुरु को ऐसो अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैंने शिष्य वगैरह इनको पढ़ा के उनके ऊपर कोई उपकार कियो है, अभिमान मैंने ऐसो अभिमान गुरु को आनो सहज बात है, यूं ख्याल आयो ना वह परिस्थिति में। तो गर्वादि अनिष्ट संभव तन्निवृत्त्यर्थम पृथक उपदेश, बाकी निवृत्ति के लिए यहाँ पृथक उपदेश दियो जा रहे है। तो ये कुल मिला के जो है ब्रजराय जी के अनुसार 12वां श्लोक है, और
आज कितने बजे, अभी आज अपनो समय हो गया है और एक श्लोक और बाकी रह गया है, वो अपन अगली क्लास में कर लेंगे, है ना। क्योंकि भागने से तो कोई मतलब नहीं है। और आज जो है वो हुसैन जी की अपन एक बधाई करके आज को अपन समापन यही करेंगे, और मैं आपको एक बधाई को पत्र कर दूं। आते बंद बंद सुन ले का ठंडी से ले फुले बंद तो ठंडी हो એટલે બાદ એમ આ રન છોડી દેવાનો હમ ફુલે રી પંખો બંધ કરાય ટાઈટ નો ના હા ફુલે ટ્રેન બંધ મા તો બંધ જ રાખવાનો આપ અપનો હે ના વો ખુશ કોન હે આપકી આવાજ આ રહી હે સબ આપ લોગ જો ભી બાત કર રહે હો વો અપનો ઓડિયો મ્યુટ કર દો आप लोगों को आ जे जे हुसैन जी के बधाई है। इंदौर वाली पुस्तक में पेज नंबर 196 Oh.
कृष्ण जी की बधाई। राग केदारा में विशाल में फिर बजो ब्रज की दिखा लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हैं? तेजी से आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। आवाज नहीं आ रही थी? नहीं। तो कोई को भी स्लो स्लो आ रही थी। नहीं नहीं जैसे आ रही थी ऐसे नहीं है। अच्छा कोई को आ रही थी कोई को नहीं आ रही थी। ठीक है जो भी है। एकदम क्लियर आ रही थी जैसे। आ रही थी ना? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है चलो तो यही रखते हैं अपन। जी जी दंडवत प्रणाम। 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 जी जी दंडवत प्रणाम।